आज हम लोग बात करेंगे तोशिबा की P300 इंटरनल हार्ड डिस्क के बारे में। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी और मैंने रिसेंटली अपना पीसी बिल्ड किया था, जो अभी तक अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग आई बटन पे देख सकते हैं। उसमें मैंने कोई भी एक एचडीडी नहीं लगाई थी, तो अभी रिसेंटली उन्होंने परचेस कर ली है। पहले मैं इसलिए परचेज नहीं कर रहा था क्योंकि जो मेरा पुराना पीसी था मैं उसकी हार्ड डिस्क का यूज़ करने वाला था, लेकिन फिर वो मेरे किसी और यूज़ में आ गई है तो फिर मैंने एक नई हार्ड डिस्क मंगवा ली है। तो ये मुझे अंडर 3000 की पड़ी है और 3000 एक ऐसा बजट होता है हार्ड डिस्क लिए, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि कौन सी हार्ड डिस्क लेनी चाहिए, कौन सी कंपनी की लेनी चाहिए, कौन सी स्पीड लेनी चाहिए, क्या उसके लाइफ रहेगी। तो आज हम लोग इन सब के बारे में बात करेंगे और क्या ये वन ऑफ द बेस्ट हार्ड डिस्क है अंडर 3000 फॉर योर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। सो विदाउट एनी फर्दर एडियो मैंने ये ऑर्डर कर दी है। सो ये रहा मेरा पैकेज, मैंने इसको ओपन कर दिया है एंड यहाँ पर पीछे मेरा एड्रेस है इसलिए मैं यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ। सो ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर करी थी, मुझे अराउंड 3000 रुपीज की ये मिली थी एंड इसको अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ तो ये मुझे डायरेक्ट इस टाइप की यहाँ पे हार्ड डिस्क देखने को मिलती है। नाउ आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यार ये रेड बॉक्स में आएगी, इसकी पैकेजिंग थोड़ी अच्छी होगी, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला है। सिंपल इसी बॉक्स में यहाँ पे मेरी बॉक्स में मेरी हार्ड डिस्क आई है। तो अब अगर मैं ऐसे ओपन करूँ तो ये इस टाइप से यहाँ पे मेरी हार्ड डिस्क आई है एंड इसके बाद भी यहाँ पर कुछ पैकेट में मेरे यहाँ पे टीयर डाउन है, यहाँ पे यहाँ से इसे खुला हुआ है, तो कुछ इन्होंने यहाँ पर मीन्स पूरा पैक्ड नहीं है और यहाँ पर कुछ मुझे बॉक्स भी नहीं मिला है। तो इस टाइप से यहाँ पे मुझे हार्ड डिस्क डिलीवर हुई है। तो तोशिबा ही क्यों, अगर मैं इसे वेस्टर्न डिजिटल या फिर सीगेट से कंपेयर करूँ तो आई थिंक तोशिबा इज द ब्रांड, इनकी हार्ड डिस्क के फेलियर रेट्स बहुत कम होते हैं, ये मेरा खुद का भी पर्सनल एक्सपीरियंस है एंड काफ़ी सारे रिव्यूज़ पढ़ने के बाद ही मैंने ये ली है। और तोशिबा की मुझे हार्ड डिस्क भी पसंद आती है कंपेयर टू अदर हार्ड डिस्क, जैसे ये तो एक इंटरनल हार्ड डिस्क हो गई। इसके बाद मैंने यहाँ पे दो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो मैं ऑलरेडी यूज़ करता हूँ, जैसे ये है, ये दो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है जिसे मैं ऑलरेडी यूज़ करता हूँ, ये दोनों ही तोशिबा की है, 2-2 TB की ये हार्ड डिस्क है। तो मुझे तोशिबा की हार्ड डिस्क काफ़ी पसंद आती है, थैंकफुली मेरे साथ ज़्यादा फेलियर रेट्स नहीं हुए। मैंने इसमें फाइनल कट तक के वीडियोस तक को रेंडर किया है इन हार्ड डिस्क के अंदर, तो काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग हार्ड डिस्क रही है और ये तो काफ़ी पुरानी है, वाइट वाली तो बहुत पुरानी है। सो अगर मैं यहाँ पे स्पेक्स की बात करूँ तो ये 1 TB की हार्ड डिस्क है, इसकी कैशे मेमोरी है 64 MB की और 6.0 GB तक का ये सपोर्ट करता है एज यूजुअल बाकी की हार्ड डिस्क की तरह, और इसकी जो RPM है वो 7200 तक है, तो ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है। और बाकी इसमें ऐसा कुछ डिस्कस करने लायक है नहीं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये वाली जो हार्ड डिस्क है ये सिर्फ डेस्कटॉप में ही जाएगी, ये आपके लैपटॉप्स में नहीं जाएगी, लैपटॉप्स के लिए वाली मोटी है। तो अगर आप लोग डेस्कटॉप के लिए चाहिए अंडर 3000 देन गो विथ दिस वन। अब मैं इसको क्विकली इंस्टॉल करता हूँ अपने PC में एंड आप लोगों को रिजल्ट्स बताता हूँ कि इसके क्या रीड राइट रिजल्ट्स आ रहे हैं। पर मैंने अपनी नई हार्ड डिस्क को कनेक्ट कर दिया है। सो मेरी 1 TB की हार्ड डिस्क है जिसमें से मुझे 930 GB की यहाँ पे फ्री स्पेस मिल रही है और इस हार्ड डिस्क में मुझे 2 साल की मैन्युफैक्चर वारंटी भी मिलती है। तो अब मैंने इस पर स्पीड टेस्ट रन करके देखे हैं जिसके रिजल्ट मैं अभी आप लोगों को स्क्रीन पे बताता हूँ। सो ये रहे मेरे रिजल्ट्स, मैंने इसी हार्ड डिस्क पे स्पीड टेस्ट रन करके देखे और मुझे यहाँ पर रीड स्पीड मिली है 156 MBPS की, राइट स्पीड भी लगभग सेम ही है जो कि एक अच्छी बात है। ये तो काफ़ी सारी हार्ड डिस्क में हमें देखने को मिलता है कि रीड स्पीड ज़्यादा मिल रही है लेकिन राइट स्पीड कम मिल रही है, लेकिन इसमें रीड भी अच्छी है और राइट स्पीड भी अच्छी है। तो यहाँ पे रीड स्पीड और राइट स्पीड दोनों 150 MBPS तक की हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और अगर यहाँ पे नीचे आऊँ तो ये है 4K वीडियो के बारे में, जो लार्ज 4K फाइल्स होती है उसके बारे में, तो इसकी स्पीड हमेशा आप लोगों को कम ही मिलेगी और इसमें भी यहाँ पर आप लोगों को 1.16 मिली है जो कि डिसेंट है। लेकिन हमें यहाँ पर इस चीज़ का ज़्यादा काम है अगर आप लोग गेमिंग कर रहे हैं, अगर आप लोग मल्टीमीडिया का काम कर रहे हैं, बेसिक गेमिंग वगैरह कर रहे हैं, तो ये वाली आप लोगों की स्पीड ज़्यादा अच्छी काम में आने वाली है। अब यही सेम टेस्ट मैं आप लोगों को अपने SSD में भी रन करके बताऊंगा कि मुझे क्या रिजल्ट्स मिले। इससे पहले मैं आप लोगों को सीगेट के टेस्ट के बारे में बता देता हूँ। जो सीगेट की जो हार्ड डिस्क आती है जो अराउंड 3000 की आती है, इंटरनल हार्ड डिस्क जो 5400 RPM के आसपास की आती है, उसके अगर मैं रीड राइट की स्पीड की बात करूँ तो वो आप लोगों को रीड में देगी 110, राइट में भी वो आप लोगों को 100 के आसपास ही देगी, तो वो 100 के आसपास देती है आप लोगों को, लेकिन ये वाली तोशिबा की आप लोगों को 50% ज्यादा देती है। मेरे हिसाब से ये वाली हार्ड डिस्क इज वन ऑफ द बेस्ट अंडर 3000
रीड राइट स्पीड की बात कर लूं या फिर फेलियर रेट की बात करूं। फेलियर रेट भी जो हमारे सैंडिस्क और वेस्टर्न, सैंडिस्क बोल रहा हूँ, वेस्टर्न डिजिटल और सीगेट में ज्यादा रहते हैं। नाउ मैं आप एक कॉपी करके भी देखता हूँ, ये मैंने बैकअप का एक फोल्डर है जो कि है अराउंड, इसका मैं यहाँ पे साइज देख लेता हूँ, 15.8 GB का, ये 16 GB का है। अब मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके देखता हूँ, फिर हम लोग यहाँ पे इसकी स्पीड देखेंगे। यहाँ पे मैं अपने नए हार्ड डिस्क में मैंने इसको पेस्ट किया, अभी यहाँ पर मुझे मिल रही है 400, नीचे जा रहा है अभी फिलहाल, तो ये आ गया 142, 150। तो जैसा कि हम लोगों ने अपने स्पीड टेस्ट में देखा था कि ये 156 और 155 पे राइट की स्पीड दे रहा है, तो ये अराउंड 150 पे दे रहा है, तो ये चीज काफी अच्छी है। मीन स्पीडी परफॉर्मेंस, अगर 3000 में आप लोगों को एचडीडी चाहिए जो अच्छी भी रहे और जो स्पीड भी रहे, तो दिस इज द एचडीडी दैट यू शुड गो फॉर। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 150 आप लोग अराउंड दे देगा। तो यहाँ पर मेरे साटा एसएसडी के रिजल्ट भी आ गए हैं। ये एक साटा बेस्ड एसएसडी है जो कि एनवीएमए बेस्ड एसएसडी से स्लो होती है, लेकिन फिर भी आप लोग देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस आ रहा है मेरी एचडीडी में और एक साटा बेस्ड एसएसडी में। ये डब्ल्यूडी ब्लू की तरफ से आती है, इसकी प्राइस मुझे अराउंड 5000 की मिली थी और 5000 या 6000 के बीच में मुझे मिली थी और इसकी कैपेसिटी थी 512 GB की। और ये मेरे यहाँ पे रीड के रिजल्ट्स आप लोग देख सकते हैं, 543, 500 Mbps, तो 500 के ऊपर मुझे यहाँ पे रीड राइट की स्पीड मिल रही है जो कि इंटू 5 है, अगर मैं यहाँ से हमारे मैं अभी एचडीडी से कंपेयर करूँ सिंपल वाली जो मैंने यहाँ पे लगाई है। और अगर मैं यहाँ पे जो मेन डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा, आप लोगों को यहाँ पे 4K की फाइल से दिखेगा जो कि लार्ज फाइल ट्रांसफर में होती है, जो कि एक्सट्रीमली लार्ज फाइल 4K में होता है, तो वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 400 Mbps और 270 Mbps के यहाँ से आप लोगों को रीड राइट स्पीड देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर आप लोगों को वीडियो एडिटिंग के लिए चाहिए तो आप लोगों को एसएसडी लगानी पड़ेगी, और गेमिंग के लिए चाहिए तो आप लोग सिंपल एचडीडी भी लगा लो, लेकिन आपके वीडियो एडिटिंग वाली जो आप लोगों का प्रोजेक्ट है वो हमेशा होना चाहिए आप लोगों की एसएसडी में। और अगर आप लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो भी मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि एसएसडी तो मस्ट है भाई, एसएसडी में अपने प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स भी रखो। सो वेलकम बैक गाइज, आई होप आप लोगों को एक क्विक वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड मेरी रिकमेंडेशन में अगर आप लोग अंडर 3000 कोई हार्ड डिस्क ढूंढ रहे हैं तो दिस इज द बेस्ट हार्ड डिस्क दैट यू कैन गेट करेंटली। मैंने खुद ने भी परचेस करी है और मैं खुद इसको रेगुलर यूज में लेने वाला हूँ, और इसके लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो एग्जैक्ट मॉडल जो मैंने लिया है उसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस वन, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको थम्स अप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड आई विल सी यू गाइज इन नेक्स्ट वन। गुड बाय।